अब हम जो है हवा, बाद और तूफान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो नुक्ता है हमारे सामने वो हवा दबाव डालती है। किसी भी जगह या इलाके पर हवा का धकेलना ही हवा का दबाव कहलाता है। अब हमने एक गुब्बारा लिया था खाली, और इसमें क्या फूंका और इसको उसके मुंह को बंद किया, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हवा भरी हुई। क्या है इसमें? हवा। इसको अगर हम दबाकर देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि अंदर से कोई हमें धकेल रहा है, अंदर से कोई हमारे हाथों को धकेल रहा है। तो कौन धकेल रहा है भाई? हवा धकेल रही है। तो यही जो है हवा का दबाव कहलाता है, अंदर हवा का दबाव है। ठीक है, अब दूसरा नुकता यह है कि हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की इलाके की तरफ हरकत करती है। वो किस तरह बजे हमें पता है कि गुब्बारे के अंदर जो है हवा का दबाव ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। बाहर है? कम। इसके मुकाबले में कम है। अब जरूरी है कि अंदर की जो ज्यादा दबाव इलाका है वहां की हवा बाहर को आए। जिस तरह मैं यहाँ पर समझाता हूँ, अब ये गुब्बारा है, अब इसमें क्या है, हवा भरी हुई है, तो हवा जो है बाहर की तरफ धकेल रही है। यानी अंदर जो है ज्यादा दबाव है और बाहर है कम दबाव है, तो जरूरी है कि ज्यादा दबाव के इलाके से कम दबाव के इलाके की तरफ बाहर कम दबाव है। तो अंदर ज्यादा दबाव के इलाके से बाहर कम दबाव के इलाके की तरफ हवा क्या कर रही है? हरकत कर रही है। क्योंकि वो घिरी हुई है, उसे जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए गुब्बारे यही के दीवार पर दबाव डाल रही है। अगर हम इसको सुई से थोड़ा सा भी टच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने तेज रफ्तारी के साथ अंदर ज्यादा दबाव के इलाके से हवा कम दबाव के इलाके में हरकत करती है। देखिए आप टच कर रहा हूं इसको, तो आपने देखा कि गुब्बारा जो है, गुब्बारे में जो हवा भरी हुई थी वो पूरी क्या निकल गई? बाहर निकल गई। यानी इससे हमें पता चलता है कि हवा किस कदर कितनी शिद्दत के साथ दबाव डालती है। समझ में आ रही बात? हाँ। जी, इससे पता चलता है कि हवा ज्यादा दबाव के इलाके से कम दबाव के तरफ हरकत करती है। जी जी, ओके।